कोयटा के पार्क में कायम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की बनावट पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जा रही है। समा रिपोर्ट करने पहुंचा तो पार्क इंतजामिया ने दरवाज़ों को ताले लगा दिए। पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर मुजस्मा हटाकर नए मुजस्मा तैयार करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुजीबुल्ला से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोयटा में शहीद बेनज़ीर पार्क के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर अलमिया ये बना कि गुज़िश्ता दिनों एक तस्वीर वायरल हुई जो कि शहीद मोहतरमा भुट्टो का मुजस्मा यहाँ पर नस्ब किया गया था। कैमरामैन वहीद से कहूँगा कि वो मुजस्मा जूम करके दिखाए, क्योंकि यहाँ पर जो पार्क इंतजामिया है उन्होंने तो यहाँ पर तालाबंदी कर दी। जूँ ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यहाँ पर तालाबंदी कर दी गई। तहम जो मुजस्मा है वो आज भी यहीं पर बरकरार है। यहाँ पर इंतजामिया ने गेट को ताले लगा दिए हैं और ये जो अफराद हैं ये हमें कह रहे हैं कि आप पार्क के अंदर नहीं जा सकते और बात करने से भी गुरेजा है। इस मुजस्मे में जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो स्टैचू है वो काफ़ी अजीब तरीके से बनाया गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे रहनुमाओं से। सर, क्या कहेंगे मजमू सूरत पे? पार्क के जो जिम्मेदारान इंचार्ज है उनकी नाइले की वजह से किसी रोड चलते बंदे से वो मुजस्मा बनाया, फिर उस पर दोबारा पेंट कराया गया। तो अभी हम लोग जो आए यहाँ पे पार्क विजिट करने वो मुजस्मे को देखने के लिए, तो ये जो लोग हैं यहाँ पे इनके जो चौकीदार वगैरह ये कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आर्डर है कि किसी को अंदर आने नहीं देना, तो ये अपनी नाइली को छुपाने के लिए ये अतकंडे कर रहे हैं। तो हम उकाम इबाला से हम ख़ास तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा करते हैं कि फौरन इसके जो जिम्मेदारान उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको मअतल करें और ये जो मुजस्मा यहाँ पे बनाया गया है इसको फौरन से पहले इसको हटा के नया मुजस्मा बनाया। जिनसे मुतालबा कर रहे हैं वो अफराद तो यहाँ पर तशरीफ फरमाए, अब फिर उठ जाएंगे ये लोग यहाँ से कुर्सियों से। अब ये जो लोग हैं हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मुजस्मा तो लगा दिया गया, मुतालबा ये किया जा रहा है कि ये मुजस्मा हटा कर दूसरा मुजस्मा जो कि एक्चुअली मुजस्मा होना चाहिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, वो यहाँ पर लगाने की डिमांड की जा रही है आवाम की तरफ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कायदीन की जानिब से।